साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत गांधी युग में उपन्यास। हिंदी में उपन्यास लेखन तो भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन 1880 से 1936 ईस्वी के मध्य प्रेमचंद के उपन्यासों में इस विधा ने अभूतपूर्व व्यापकता और गंभीरता प्राप्त की। प्रेमचंद की संवेदना अत्यंत व्यापक थी। जितनी व्यापक उनकी संवेदना थी, उतनी ही सूक्ष्म उनकी दृष्टि थी। उपन्यास विधा के चरम उत्कर्ष के लिए जिस सहज भाषा शैली की आवश्यकता होती है, वह भी प्रेमचंद के पास थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं, तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद के उपन्यासों का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। वे प्रधानतः मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के कथाकार हैं, किंतु उनके रचना संसार में सभी वर्गों के लोग सिमट आए हैं। यहाँ प्रकृति, पशु पक्षी सब मौजूद हैं। फिर उनके आर्थिक, सामाजिक, वर्णगत, पारिवारिक संबंधों का ढांचा और पात्रों के चरित्र की निजी विशेषताएं भी मिलेंगी। प्रेमचंद के पात्र प्रतिनिधि पात्र हैं। निजी विशेषताओं से रहित होकर कोई प्रतिनिधि पात्र नहीं हो सकता। प्रेमचंद पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट है। उनके अनेक प्रारंभिक उपन्यासों पर गांधीवादी आदर्श, हृदय परिवर्तन एवं सुधारवाद का प्रभाव है। उपन्यास का अंत हृदय परिवर्तन और किसी आश्रम स्थापना में होता है। उपन्यासों का अंत ही नहीं, पात्र, चरित्र चित्रण आदि पर गांधीवादी सिद्धांतों का दबाव है। प्रेमचंद के अंतिम और प्रतिनिधि उपन्यास गोदान में आदर्शवाद से उनका मोह भंग हो गया है। वे आद्यंत यथार्थ को ही दृष्टि में रखते हैं, इसीलिए गोदान दुखांत है। प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं। किसान को भूमि से कितनी आत्मीयता होती है, इसका चित्रण वे रंगभूमि और प्रेमाश्रम में करते हैं। किसानों पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद, बड़े व्यापारियों, छोटे व्यापारियों आदि सबका भार था। छोटे किसानों के साथ छोटे जमींदारों की भी हालत बिगड़ रही थी। गोदान में उन्होंने दिखाया है कि छोटा किसान किस तरह क्रमशः भूमिहीन होकर मजदूर बनने पर विवश हो रहा है। भूमि पर आश्रित जमींदार राय साहब की भी
आर्थिक स्थिति खोखली है। प्रेमचंद की महानता इस बात से प्रकट हो जाती है कि उन्होंने तिलस्मी और अय्यारी कथा साहित्य के पाठकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित कथा साहित्य की ओर मोड़कर उनकी रुचि में अभूतपूर्व परिष्कार किया। प्रेमचंद की भाषा न किताबी हिंदी है न किताबी उर्दू, वह सहज हिंदी भाषा है। प्रेमचंद के उपन्यासों में पात्रों और घटनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वे हमारे देखे सुने लगते हैं। उनके उपन्यासों में स्वभाव और परिस्थिति की टकराहट से पात्रों का चरित्र विकास होता है, जो हिंदी कथा साहित्य में नई बात थी। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र जो अपूर्ण है, आदि प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं। ₹1889 से 1969 ईस्वी के मध्य वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास बुंदेलखंड के इतिहास से संबंधित हैं। वे ऐतिहासिक भी हैं और क्षेत्रीय या आंचलिक भी। गढ़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ₹1903 से 1976 ईस्वी के मध्य यशपाल ने 1945 में दिव्या लिखा, जो ठीक ठीक ऐतिहासिक उपन्यास तो नहीं है, क्योंकि खुद दिव्या कल्पित पात्र है, किंतु इसमें प्राचीन भारत के एक कालखंड को दृष्टि विशेष से देखकर सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। ₹1893 से 1963 ईस्वी के मध्य राहुल सांकृत्याय ने इसी दृष्टि से प्राचीन गणतंत्रों के जीवन को आधार बनाकर सिंह सेनापति और जय योद्धेय जैसे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। स्वतंत्रता के ठीक एक वर्ष पहले 1946 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में ऐतिहासिकता को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक विचारों को समो दिया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा में हर्षकालीन उत्तर भारत का सांस्कृतिक जीवन अत्यंत सजीव तौर पर चित्रित है। ऐतिहासिक वातावरण का उपयोग भगवती चरण वर्मा ने पाप और पुण्य की समस्या को नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करने वाले उपन्यास चित्रलेखा में किया। रांगेय राघव ने 1946 ईस्वी में ही सिंधु घाटी की विलुप्त सभ्यता को आधार बनाकर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रोमानी उपन्यास मुर्दों का टीला लिखा। प्रेमचंद का प्रभाव हिंदी उपन्यास साहित्य पर दो तरह से पड़ा। एक तो उनकी तरह उपन्यास लिखने वाले कथाकार सामने आए, जैसे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जिनके क्रमशः माँ और विदा उपन्यास प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद ने तितली नामक उपन्यास में ग्रामीण जीवन के संघर्ष का चित्रण किया। निराला ने कई प्रकार के उपन्यास लिखे। प्रभावती ऐतिहासिक है, अलका सामाजिक, तो बिल्लेसुर बकरिहा व्यक्तिपूर्ण, जिसकी अंतःधारा करुणा की है। सामान्य समझे जाने वाले किंतु अपनी निष्ठा में विशिष्ट समकालीन व्यक्तियों के जीवन पर निराला ने ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की
जो औपन्यासिक जीवनियां हैं, जैसे कुल्ली भाट और चतुरी चमार। दूसरी बात ये कि प्रेमचंद से भिन्न प्रकार के उपन्यासों को लिखने का प्रचलन हुआ, जिनमें सामाजिक समस्याएं नहीं बल्कि निजी या वैचारिक समस्याओं को केंद्र में रखकर कथानक बुना जाता था। ऐसे उपन्यासकारों में जैनेन्द्र का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 1935 में सुनीता और 1936 में त्यागपत्र उपन्यास लिखे। इनमें विशिष्ट स्थितियों के कारण विचित्र या विशिष्ट चरित्रों को केंद्र में रखकर कथानक रचा गया है। जैनेन्द्र कुमार के इन उपन्यासों में सामाजिक, पारिवारिक और यौन समस्याओं को गुम्फित कर दिया गया है। समाज की विकृतियों को सामने लाकर उनका भंडाफोड़ करने और समाज को अधिक मानवीय एवं क्षमाशील बनाने के उद्देश्य से जयशंकर प्रसाद ने 1930 में कंकाल लिखा, जिसे कुछ लोगों ने प्रकृत यथार्थवादी उपन्यास कहा। समाज के पाखंडपूर्ण कुत्सित पक्षों का उद्घाटन और चित्रण करने में सिद्धहस्त पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने इसी उद्देश्य से दिल्ली का दलाल, मनुष्यानंद, सरकार तुम्हारी आंखों में तथा बुधुआ की बेटी जैसे उपन्यास लिखे। हिंदी उपन्यासों पर इस बीच फ्राइड के मनोविश्लेषणवादी विचारों का प्रभाव पड़ा। इला चंद्र जोशी और अज्ञेय के उपन्यासों पर मनोविश्लेषणवाद के प्रभाव को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। इला चंद्र जोशी के उल्लेखनीय उपन्यास सन्यासी और पर्दे की रानी हैं। अज्ञेय का प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग 1941 ईस्वी में और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शेखर आतंकवाद की छाया में लिखा हुआ एक ऐसा उपन्यास है जिस पर मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रभाव के साथ समाज के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति और उनके विचारों को देखा गया है। उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास गिरती दीवारें में सामाजिक विषय वस्तु को व्यक्तिपरक दृष्टि से चित्रित किया गया है। इस काल में साहित्यिक हास्य और व्यंग्य की छटा अमृतलाल नागर के दो उपन्यासों नवाबी मसनद और सेठ बांके मल में मिलती है। आधुनिक काल के अंतर्गत गांधी युग में उपन्यास साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर अखिल मित्तल और लोचनी अस्थाना। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।